ओए भतीजे, कोई कहीं भूकंप तो नहीं आने वाला है? चाचू, ये भूकंप नहीं है, ऊपर देखो। चाचू, हेलीकॉप्टर अगर मार्केट में गिरा तो बहुत से लोगों की जान खतरे में आ सकती है। हमें लोगों को होशियार करना होगा। चाचू, मैं अपने स्केट्स पे आगे निकलता हूँ। ओए, मैं इसे दिखाता हूँ। ओए जी, मिस्टर हेलीकॉप्टर, बर्बाद कर दिया मेरा स्कूटर, अब नहीं छोड़ूंगा। ओए, अरे अरे अरे, कोई बचाओ भतीजे। हेलीकॉप्टर खराब हुआ है और वो इसी तरफ आ रहा है, इसलिए हम सबको एक सेफ जगह पे शिफ्ट होना है। जल्दी करो, भागो यहाँ से। अरे फाफड़ा जलेबी वेस्ट कैसे करें? वैसे क्या कोई पेड़ पे उगते हैं? बलवान, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी जलेबी उड़ाई, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ पलाजी, लेकिन उसके लिए पहले पकड़िए तो सही। चल रहा है चाचू, आपको कुछ हुआ तो नहीं? ओ भतीजे के होते चाचा को कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी जान बचाई और मेरा हेलीकॉप्टर भी। रब बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, वैसे तो भतीजे ने पूरे शहर की जान बचाई से, लेकिन यो हेलीकॉप्टर इब पेड़ से कैसे उड़ेगा? बंदूकनी जी, इसका हल है खोजी अंकल। ओए भतीजे, यो के दिया खोजी ने हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए बबलगम? ओए क्या मजाक है चाचू, खोजी अंकल ने बोला है तो कुछ तो होगा। मैंने कहा जी, खोजी सिंह की खोज और भतीजे की सोच का कोई जवाब नहीं। ये क्या कमाल है। ओए रुक जा बलवंत, फ्री में उड़ने का मजा मुझे भी चाहिए। हम भी खाएंगे। ओए चिंचे, मुझे चूटी तो काटो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। चिंचे, इतने जोर से भी नहीं। ढोल के नींद खुली की नहीं। ओए चिंचे, ये सपने में नहीं, सच में हो रहा है, तू देखो। ओए ढोल की, अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा। जल्दी से मनमोहन जी को फोन करो। अरे ये क्या कर दिया आपने? ओए ओए, बहुत हो गया उड़ना, अब नीचे कैसे उतरेंगे? हवा तो वेस्ट में बह रही है, यहाँ से वेस्ट में ऊंचाई यानी लाइट हाउस। चाचू, बंदूकनी जी, भल्ला अंकल, सब लोग ध्यान से सुनिए, कोई भी बबल गम को अपने मुंह से छोड़ना मत, वरना आप सब लोग ऊंचाई से गिर जाएंगे। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हवा आपको धीरे धीरे लाइट हाउस की तरफ ले जाएगी,
फिर मैं वहाँ से बबल गम स्ट्रेच करके आप लोगों को नीचे उतार दूंगा। बबल गम गुब्बारे सिर्फ खोजी अंकल के दिए हुए सीजर से ही कट हो सकता है। वाह मनमौजी साहब, क्या चाल चली है। लेकिन चिंचे, इनको बचाने के लिए तो भतीजा आ जाएगा। खोजी करे खोज और मनमौजी मारे मौज, यही तो मेरा प्लान है। अब मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। मौजी सर जी, भतीजा हमें गुब्बारे में फंसा देगा, उसकी तरफ मत जाओ। ये ले। ओए मनमौजी सर जी, ये कैसे किया? ये है मेरी पलटवार गन, जिसने खोजी का खेल खत्म कर दिया। देखो तो ये क्या? ओए मुंह तो खुल गया लेकिन मैं अब खुद ही बंद हो गया। चिंचे अब मेरी बारी। ओ, लेकिन मेरे पास भी खोजी अंकल की बलून कटिंग सीजर है। ओह ये सीजर तो अब इस बलून पर काम नहीं कर रही है। काम करेगी कैसे? पलटवार गन में चमत्कारी चिपकू गम जो डाला है, सारे खोजी के आविष्कार है ना। ओए भतीजे, ओए ये क्या हो रहा है? सारे खोजी अंकल के आविष्कार इस्तेमाल करके मनमौजी ने हमें ही फंसाया है। रब बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और तो इब के करेंगे। इससे पहले कि मनमौजी अपनी अगली चाल चले, हमें खोजी अंकल से हेल्प लेनी होगी। धौल की, इतने दिनों की ख्वाहिश पूरी हो रही है इन सब को लात मारने की। ओए जिज्जे, वैसे भी बहुत दिनों से फुटबॉल नहीं खेले हैं। खेलो। अब तो इस गुब्बारे को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। क्या लाइन बोलती है बंदूकनी जी? कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई नहीं बच सकता। अब हमारी लात से बच के दिखाओ। ये लो गोल। सब लोग ध्यान से सुनो, ये हमें क्लिफ से नीचे गिराने जा रहे हैं, इसलिए अब इन्हें चकमा देना है। ओए भतीजे जल्दी कुछ चटपटा आइडिया निकाल। आइडिया। Thank you.
जाओगे। जी ये रही मेरी आर पार सुइयां जो निकालेंगी तेरे बलून की हवा। अरे खोजी अंकल, सही टाइम पर आए हो। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। पंटू श्रीनगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम से कांपे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा।